महानगर के बड़ा बाजार के नूतन बाजार में स्थित श्री बालकृष्ण विठल नाथ विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यालय के टीचर इंचार्ज जेके सिंह के खिलाफ विरोध सभा का आयोजन मंगलवार को किया, जहां शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पिछले 14 महीनों से उनका वेतन रोक दिया गया है और उन्हें नहीं दिया जा रहा है, और जो भी कर्मचारी वेतन मांगता है उसे जेके सिंह सो कार्य सस्पेंशन और निलंबन की चिट्ठी पकड़ा देते हैं। इस दौरान विरोध कर रहे सभी शिक्षक तख्तियों को लेकर के सभा मंच पर बैठे हुए नजर आए। शिक्षकों का ये भी आरोप है कि जेके सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी कुमकुम सिंह, भाई राजेश कुमार सिंह और भाई की पत्नी को 2016 सत्र में स्कूल में नियुक्त किया और इन तीनों की नियुक्ति 2012 से दिखाई। इतना ही नहीं, जो स्कूल कर्मचारी टीचर इंचार्ज के हाँ में हाँ मिलाते हैं उन्हें किसी तरह की कोई नोटिस नहीं दी जाती। इस मामले में निलंबित शिक्षक एके तिवारी का कहना है कि हम लोग इस मामले को लेकर डीआई कार्यालय और कोर्ट तक भी गए लेकिन कोई हल नहीं निकला। एके तिवारी ने यह भी बताया कि स्कूल प्रबंधन की जो कमेटी है वो 2015 में ही भंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी जेके सिंह गलत तरीके से चुनाव करवा कर और अपने खास लोगों को कमेटी का हिस्सा बनाकर काम कर रहे हैं। एके तिवारी ने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम सभी अनशन पर बैठेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और हमें भी अपना परिवार चलाना है। 50-52 साल के उम्र में हम कहाँ जाएंगे, घर में जाते हैं तो वहाँ कलेश ही होता है, और अगर हमारा वेतन नहीं दिया जाएगा तो हमें मजबूरन चोरी करनी पड़ेगी, लेकिन शिक्षक का काम चोरी करना नहीं होता है। आपको बता दें कि श्री बालकृष्ण विठल नाथ विद्यालय में करीब 800 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। शिक्षकों का आरोप है कि एक छात्र द्वारा हर महीने 1000 रुपए की फीस दी जाती है, तो जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है, इसका जवाब भी टीचर इंचार्ज जेके सिंह को ही देना होगा। आप लोग ये विठल नाथ बाल कृष्ण विद्यालय के बाहर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों के ये कहना है कि यहाँ के जो टीचर इंचार्ज हैं उन्होंने आप लोगों की 14 महीने की सैलरी रोक रखी है और साथ ही उन्होंने इलीगल अपॉइंटमेंट किया है। यही मेन कारण है हम लोगों की आज धरना प्रदर्शन का, क्योंकि 14 महीने से सैलरी नहीं मिला है। सैलरी का जब डिमांड किया गया तो दो टीचर को, यहाँ तक कि मुझे भी जो है और एक शिव कुमार राय है, मेरा नाम एके तिवारी है, दो टीचर को सस्पेंड किया गया है। कल हमको खबर मिला है कि इनको डिसमिस कर रहे हैं, अगर ज़्यादा वो नेतागिरी करेंगे तो उनको हम डिसमिस करें। हम क्यों नेता, एक शिक्षक नेतागिरी कैसे कर सकता है, उनका तो काम केवल शिक्षा देना है। सही समय पर आज तक हमारे या किसी टीचर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन नहीं आया, इसके बावजूद भी कल सैलरी मांगना ही हम लोगों का सबसे बड़ा अपराध हो गया। सैलरी मांगने पर सस्पेंड किया गया और सब सारी काम आज 2015 से जो है यहाँ स्कूल में तो कमेटी है अपने ढंग से जो है वो कमेटी बना लिए हैं, और इसके साथ साथ जो है वो अपने पत्नी को 2016 में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ, कुमकुम सिंह जिनका नाम, अपने पत्नी, भाई, भाई के पत्नी, इन लोगों का भी अपॉइंटमेंट करके स्कूल के ऊपर एक संस्था का कब्जा न होकर उनके परिवार का कब्जा, परिवारवाद चल रहा है। सारे टीचर्स या कोई शिक्षक या मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ, और जब भी सैलरी मांगते हैं तो उनको इस तरह से धमकी दिया जाता है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उससे कोई सैलरी मांग सकता। इस सब समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किए। जैसा कि सर आपने अभी कहा कि 2015 में ही ये कमेटी ख़त्म हो गई है, बोर्ड का उसका प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, और जिसमें जो है ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि हेंस द टेन्योर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी हैज ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड ऑन 28 जून 2015। 28 जून 2015 को ही इनकी कमेटी का टेन्योर समाप्त हो चुका है। इसके बाद ये इलीगल ढंग से ऑन द पेपर्स कोई ना तो यहाँ पर जी आर का इलेक्शन हुआ, ना तो पी आर का इलेक्शन हुआ, और किसी इलेक्शन को बिना कराए, ये राजबाड़ी है, अगर गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता तो राजबाड़ी की जनता को पता चलता, ऐसा आप किसी से भी इंक्वायरी करेंगे कोई एक गार्जियन नहीं कर सकता कि यहाँ पर इलेक्शन होता है। सब केवल अपने मन के जो है अपने च्वाइस का जो है सिलेक्शन करके पेपर में बनाए दिया या किसी ने दिया, डी आई भी जो है बिना इंक्वायरी किए जो है एक डी एन दे दिया, उसी को मानते हुए मेरा लीगल कर लेगा, जबकि बोर्ड की निगाह में बिल्कुल।
सर, अगर आप लोगों ने ये आज आंदोलन की शुरुआत की है, आप लोगों ने मांग की है कि आपको 14 महीने की जो सैलरी रोकी गई है वो दी जाए, अगर उसके बाद भी टीचर इंचार्ज इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप लोगों की मांग नहीं मानते हैं, तो आगे आप लोग क्या क्या कदम करेंगे? सैलरी के बिना, पैसे के बिना तो परिवार चलाना मुश्किल है। इससे अच्छा होगा कि अनशन करके हम परिवार को कैसे चलाएंगे, इसका क्या उपाय हो सकता है? शिक्षा तो आपको गलत काम तो कर नहीं सकता है, शिक्षा के अलावा कुछ दूसरा जो इसको उसके पास नहीं है, इसके आगे आगे प्रोग्राम बढ़ भी सकता है, अनशन पर बैठ सकते हैं, आगे जो भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ बालकृष्ण विट्ठल स्कूल के शिक्षक, जिनको सस्पेंड किया गया था और अब बात की जा रही है कि उनको डिसमिस किया जाएगा। इन्होंने अभी सारे तथ्यों को सामने रखा है कि इस स्कूल की जो बोर्ड थी वो 2015 में ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन टीचर इंचार्ज यहाँ के जो है वो गैर कानूनी तरीके से अभी भी बोर्ड को चला रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन साकेत के साथ रवि मित्रा, लाइव कोलकाता। বিদ্যালয়ে পুনর্বহাল করতে হবে, শিক্ষকদের বেতন পুনর্বার আবার পুনরায় চালু করতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষকদের পুনর্বহাল করতে হবে, শিক্ষকদের বারে বারে হেনস্থা করা চলছে না, চলবে না।